फिर से लेकर आ गए हैं बहुत सारी अपडेट कॉमेडियन कम्युनिटी से, तो वीडियो क्लास तक जरूर से देखना। सबसे पहले बात करते हैं समय रैना के बारे में। समय रैना से पहले शायद ही किसी ने यह सोचा था होगा कि चेस खेलकर भी इतना बड़ा यूट्यूब चैनल बनाया जा सकता है। इसी के बारे में जब अंकुर वारी को सर ने इंटरव्यू में इनसे पूछा, आपने पबजी और फ्री फायर को छोड़कर चेस खेलना क्यों पसंद किया यूट्यूब में, और क्या आपको भरोसा था कि इतना बड़ा चैनल बनाया जा सकता है चेस खेलकर, तो समय रैना क्या बोलते हैं वो देखो आप। चेस और कॉमेडी को कैसे मिक्स करने का आइडिया आया? बकचोद तो मैं था ही ना यार, कॉलेज से ही बकचोद ही हूं। लॉकडाउन में कुछ करने को था नहीं, तो स्ट्रीमिंग में और क्या ही करें। मतलब मेरा कुछ ऐसा चाहिए था स्ट्रीम करने के लिए जो मैं जिसमें मैं बकचोदी भी कर सकूं। बाकी कोई गेम में ना स्कोप नहीं है, जैसे पबजी है उसमें चारों उंगलियां लग रही हैं, आंखें भी वहीं लग रही हैं। कोई रेसिंग गेम है उसमें भी अलर्ट रहना पड़ रहा है। चेस में क्या है, गेम एक मूव खेल दिया, फिर बकचोदी कर ली थोड़ी साइड में, फिर वापस एक मूव खेल लिया। तो वो जो बकचोदी का स्कोप है चेस में, वो वॉज द मेजर अट्रैक्शन व्हाई आई स्टार्टेड स्ट्रीमिंग, एंड दैट जस्ट फिट वेरी वेल। आई कैन रीड अ चैट, आई कैन, कोई कुछ बोलता है उसको कुछ वापस बोल दिया, आई टेक बैक एंड फोर्थ हो गया। तो दैट आई थिंक चेस गिव्स यू दैट ऑप्शन। कॉमेडी का एक बहुत अलग ऑडियंस है, चेस का एक बहुत अलग ऑडियंस है। कहीं मैं अपने ऑडियंस को ना ना बोल रहा हूँ, कहीं वो भाग ना जाए कि भैया ये तो बहुत इंटेलेक्चुअल हो गया हमारे लिए। नहीं नहीं, मैं तो लाइक उस टाइम पे इतना सोचा नहीं था यार, लाइक इतना सोचता ही नहीं हूँ मैं। आई जस्ट डू इट, लाइक आई वाज लाइक करते हैं यार, कुछ करने को है नहीं। एंड धीरे धीरे ऑडियंस उसकी बनती गई, पहले नहीं थी उसकी भी ऑडियंस, लाइक विश टू नॉट गेट लॉट ऑफ पीपल वॉचिंग, बट धीरे धीरे वो बनते गए। एंड दे स्टार्टेड एक्चुअली आई थिंक स्टिकिंग अराउंड फॉर द पर्सनैलिटी दैन द चेस। लाइक मैं क्या ही चेस सिखाऊंगा उनको, मैं उतना कहाँ आता मेरे को। बट वो जो बकचोदी में करता था उसके, कई लोग तो इसलिए मेरे को बोलते हैं समय वी सी योर स्ट्रीम्स बट वी डोंट अंडरस्टैंड चेस, वी जस्ट सी फॉर द बकचोदी ऑफ इट। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आप लोगों को पता होगा एमसी स्टैंड के बिग बॉस जाने से एक दिन पहले मुनार फर्गी से वे मिले थे, और अभी बिग बॉस में काफी ज्यादा धमाल कर रहे हैं, नंबर वन कंटेस्टेंट थे इस वीक के। इसी के बारे में जब मुनार से एक इंटरव्यू में पूछा गया क्या आपने कोई टिप्स दिया था एमसी स्टैंड को बिग बॉस के लिए, तो वे बताते हैं कि हाँ उन्होंने एक टिप्स दिया। क्या था वो टिप्स आप भी देखो। और वही मैंने उसको यही बोला कि तू अंदर जाएगा ना तो बहुत बार तुझे ये फील होगा कि मुझे बाहर जाना है, मुझे घर जाना है, तुझे फील होगा तो फील होने मत देना, होगा होने देना, बट एक घंटे बाद सुधर जाना। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं जो गुरलीन पन्नू के बारे में। गुरलीन पन्नू ने अपना पहला टूर, मतलब पहला इंडिया का टूर कंप्लीट किया हाल में ही। आप लोगों को पता ही होगा कि कमिस्तान के खत्म होने के बाद गुरलीन पन्नू काफी ज्यादा वायरल हो रही थी यूट्यूब में, तो इसी के बारे में एक स्टोरी बताते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। वे बोलती है कि वे कभी भी नहीं सोची थी कि वे इंडिया का टूर करेंगे, इतने ज्यादा लोग उनको देखने भी आएंगे। अभी देखो ये क्लिप। हाय गाइस, सो फर्स्ट लेग ऑफ द टूर काइंड ऑफ खत्म कर लिया आज हमने। इसके बाद का सीधा दुबई का छोड़ा हुआ है, 15th अक्टूबर को दुबई, सी यू गाइस देयर। और थैंक यू सो मच, आई एम जस्ट फीलिंग लाइक रियली ओवरवेलम्ड और थोड़ा ग्रेटफुल, और ऐसे इमोशनल टफ सा फील हो रहा है कि मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंडिया टूर टाइप कुछ करेंगे और इतनी सिटीज करेंगे, इतने लोग आएंगे, इतनी टिकट बेचेंगे। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। फर्स्ट लेग है, इसका मतलब ये नहीं है कि शो नहीं करूंगी, ऑब्वियसली अभी आगे शोज तो डलते रहेंगे, वो तो करेंगे ही, बट एक टूर वाली जो वाइब होती है ना। राजपाल यादव के बारे में, राजपाल यादव ने मुलायम सिंह जी को आखिरी श्रद्धांजलि देते हुए इंस्टाग्राम में एक वीडियो अपलोड करा, वो देख लेते हैं। नेताजी आपको हृदय से नमन करता हूं, और आप राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा अपने जीवन काल में जो है वो धरती पुत्र के रूप में टॉप 5 राजनीतिक स्तंभों में एक स्तंभ हमेशा रहे। आप ने बहुत कुछ जो है देश के लिए किया है, और आपने अपूर्व सेवा की है। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, और आप हमेशा हम लोगों के बीच में एक प्रेरणा बन के हमेशा हम लोगों के साथ रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप लोगों को पता ही होगा कि मुलायम सिंह यादव यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे, वे एक दिग्गज नेता थे, और 82 इयर्स में उनका डेथ हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नेक्स्ट अपडेट जो है वो हसीब खान के बारे में। हसीब खान ने एक बहुत ही एंग्री और फनी वाला वीडियो अपलोड किया इंस्टाग्राम में। बोलते हैं जब वे अलग अलग जगह में शो करते हैं तो बहुत से ऐसे व्यक्ति उनको मिलते हैं जो कि उनको जानते नहीं है, मतलब जानते तो है, बोलते हैं कि कहीं आपको देखा है, पर उनको नहीं जानते कि वो टेलीविजन में देखा या फिर यूट्यूब में देखा। इसी बारे में क्या बोले वो देखो आप। भाई देखो, जितने भी लोग मेरे को रास्ते में मिलते हैं, मुझे पहचानते हैं, मुझसे आगे बात कर लिया करो, और मेरे से बात करने के बाद ना थोड़ी सी रिसर्च रखा करो कि तुमने मेरे को कहा, थोड़ा तो पता करो यार। मेरे पास आके खड़े हो जाते हैं कि भाई कहीं तो देखा है आपको, आप बताओ मैंने आपको कहां देखा। अरे मुझे क्या मालूम तूने मेरे को कहां पे देखा यार। उसके बाद मैं थोड़ा बता भी रखूं, शायद तूने टीवी पे देखा हो, तो नहीं नहीं टीवी पे नहीं देखा, टीवी में भी तो कब से बंद कर दी हमने देखना। मैंने कहा यूट्यूब पे देखा होगा, कहता नहीं यूट्यूब तो मेरे को चलाना ही नहीं आता, मैं तो कब से यूट्यूब पे कुछ देख ही नहीं रहा।
अब मेरे को सारा क्राइसिस हो रहा है कि मेरे को यार इसने दो जगहों के अलावा कहाँ देख लिया और वहां मैं फेमस भी हूँ। तो आज के लिए इतने दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाना मत भूलना, लगातार इसी कॉमेडियन से जुड़ी अपडेट पाने के लिए।